आज झटपट से बनने वाली मिठाई लेके आई हूँ जो बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ये मिल्क केक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए और लाइक और शेयर करिए। वेलकम टू अपनी रसोई, मैं संगीता। सबसे पहले 200 ग्राम पनीर लिए हैं, इसे हम आधा ही यूज करेंगे। हम 100 ग्राम यूज कर रहे हैं, 100 ग्राम हटा देंगे। और इसे हाथों से मसल कर भी ले सकते हैं, लेकिन इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे तो इसके दाने बहुत ही छोटे छोटे और बारीक हो जाएंगे। और इस तरह से हम मिक्सर ग्राइंडर में रख के इसे दो बार में चला लेंगे। देखिए इसके दाने कितने बारीक बारीक दिख रहे हैं। हमें मिल्क केक में बिल्कुल बारीक दाने ही चाहिए, इसलिए हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के लिए हैं। अब ये दाने बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। अब हम इसे एक कढ़ाई में घी डालकर इसे भूनेंगे। इसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से इसे भूनेंगे, इसमें हल्का सा जो खट्टापन होता है और इसकी जो टेस्ट होती है वो भी अच्छी हो जाएगी भूनने से, और खट्टापन भी दूर हो जाएगा। इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम 3-4 मिनट भूनेंगे। और जब ये दाने बिल्कुल अलग अलग इस तरह से ड्राई ड्राई से हो जाएंगे, तब तक हम इसे भूनेंगे। देखिए दाने बिल्कुल अलग हो गए। अब इस स्टेज में हम इसे झटपट बनने के लिए मिल्क मेड डालेंगे। आप चाहे तो ऐसे दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही गैस बर्बाद होते हैं। बहुत देर हमें दूध को सुखाना पड़ता है, गाढ़ा करना पड़ता है, और इससे हम झटपट बना सकते हैं। हम इसमें 1/2 कप मिल्क मेड डाले हैं। आप अगर मीठा कम पसंद करते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतने के लिए इतना मिल्क मेड परफेक्ट है। मीठा भी परफेक्ट रहेगा, कोई ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे और बढ़िया सा गाढ़ा ना हो जाए। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और मिक्स करेंगे, वो है 1/2 चम्मच केसरी इलायची पाउडर। आप सिर्फ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या केवड़े के एसेंस डालिए, गुलाब जल डालिए, जो मर्जी डालिए, ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाए। और इस तरह से इसे गाढ़े होने तक हम पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे जब तक पकाएंगे जब ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे और सब इकट्ठा एक जगह हो जाए और हल्के हल्के इससे घी रिलीज होने लगे, उतना हम अब इस स्टेज में हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और किसी भी शेप के हम बर्तन को लेके इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अब ग्रीस करने के बाद सारे खोए को हम उस बर्तन में डाल देंगे। डालकर हम पैचोला की मदद से ही इसे सेट करेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाती है, बस हमें हल्के हाथों से इस तरह से इसे सेट करना है। किसी भी चीज़ से हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब गर्म गर्म में ही इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे ताकि ड्राई फ्रूट भी इस पर सेट हो जाए। और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के डाल सकते हैं, जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट डालकर इसे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर दिए ताकि ये ड्राई फ्रूट अंदर सेट हो जाए और गिरे नहीं। अब इसे हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 20 मिनट के छोड़ने के बाद ही हम इसमें कट के निशान लगाएंगे। तुरंत लगाने से ये अच्छे से निशान नहीं लग पाएंगे और डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, इसलिए हम 20 मिनट इसे सेट करने के बाद इसमें हल्के हाथों से कट के निशान लगा देंगे। आप चाहें तो इसे 2-3 घंटे फ्रिज में रख के भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी हल्के हाथों से इसमें कट के निशान लगाकर छोड़ रहे हैं। देखिए जब ये अच्छे से सेट हो जाते हैं तो अच्छे तरह से कटते हैं। और इस तरह से आप मन चाहे शेप में इसे कट का निशान लगाकर छोड़ सकते हैं ताकि काटने समय आसानी से कट सके। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख कर छोड़ देंगे और 2-3 घंटे के बाद हम इसे फ्रिज से निकाले हैं और हम
हम इसे आपको पलट कर दिखलाते हैं। देखिए 2-3 घंटे के बाद ये अच्छे सेट हो गए हैं। अब इसे हाथों की सहायता से हम पलट कर आपको दिखला देते हैं। पीछे से भी देखिए कितने अच्छे से सेट हुए हैं। अब हम जहाँ पर से निशान लगाए थे वहाँ पर से इसे काट कर दिखलाते हैं। अब बिल्कुल आसानी से कट रहे हैं। समय काटने में चूंकि खोआ काफ़ी गीले थे इसलिए काटने में दिक्कत हो रही थी, अब सेट हो चुके हैं तो आसानी से कट गई। ये देखिए काफ़ी अच्छे बने हैं। आप इसे घर पर बनाएं, खाएं और अपने कॉमेंट